आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होते हैं। तो सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एंगल थीटा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो थीटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे कर्व है और ए पॉइंट ओ है, तो इस दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी और एक पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो हम बोलते हैं कि दिस एंगल इज़ थीटा। अब इस थीटा को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम बोलेंगे कि दिस कर्व, जो एक कर्व है, पॉइंट ओ पे थीटा एंगल सबटेंड किया। ये हम टू डायमेंशन में वर्क करते हैं, ये हमारा टू डी एंगल है, टू डायमेंशन में एंगल होता है। और इस एंगल के लिए एक कर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, एक कर्व के अराउंड हम किसी पॉइंट के अबाउट एक एंगल फाइंड आउट करते हैं। इस एंगल थीटा को कैसे कैलकुलेट करें? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जो थीटा होता है दैट इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर मैं बात करूं कि अगर एक लाइन ले लूं, दिस लाइन ए बी, और एक अदर कर्व ले लूं, दिस कर्व कोई अदर कर्व है, तो ये लाइन ए बी भी पॉइंट ओ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ए वाला कर्व भी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ए वाला कर्व भी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, कर्व नंबर 1, 2 एंड 3। और हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, फिर आर इज द रेडियस, यहाँ से इसका आर ए वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे एल किसका लेंथ लें, 1 का 2 का या 3 का? तो एल यहाँ पे हम लोग कर्व नंबर 2 का लेते हैं, ना कि 1 का, ना कि 3 का। तो वी टेक द लेंथ ऑफ कर्व नंबर 2। तो इसे हम लोगों ने क्या देखा कि हम उस कर्व का लेंथ सेलेक्ट करते हैं जिस कर्व पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट से पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू आर। हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर होना चाहिए, उस कर्व का लेंथ लेते हैं, और उस कर्व का अगर हम लेंथ लेंगे तब हमें एंगल थीटा मिलेगा। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट रेडियन होता है, और ये टू डायमेंशन में एंगल होता है। अगर हम किसी भी क्लोज कर्व में बात करें, अगर कोई भी कर्व क्लोज है, तो यहाँ से टोटल एंगल 2π होता है। इन अ क्लोज कर्व टोटल एंगल इज इक्वल टू 2π। चाहे कर्व ऐसा भी ले लें, इस तरह का भी, आप पॉइंट अगर O यहाँ पे ले लें, तो टोटल जो एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2π। तो ये रहा हमारा एंगल इन टू डायमेंशन प्लेन, जो कि हम लोग अभी तक कैलकुलेट करने आए हुए थे। अगर मैं इस पॉइंट के लोकेशन को, अगर कर्व में नंबर 2 ही रखूँ, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, दिस पॉइंट इज लेट से पी, अगर इस पॉइंट को मैं पी पे शिफ्ट कर दूँ, तो इसी कर्व का जो एंगल होगा सबटेंड किया हुआ, ये जो होगा थीटा प्राइम, ये चेंज कर जाएगा। तो अगर एक पर्टिकुलर कर्व लेंगे और उसके अगर किस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट एंगल सबटेंड करेगा और वो वेरी करता रहेगा। तो दिस इज़ द एंगल, लीनियर एंगल हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये 2D प्लेन में होता है। अभी तक देखा है कि लीनियर एंगल क्या होता है, और लीनियर एंगल के लिए कोई एक कर्व किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करता है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एंगल। अब डिस्कस करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो फॉर सॉलिड एंगल सरफेस एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो कोई एक सरफेस किसी भी पॉइंट पे जितना एंगल सबटेंड करेगा दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में होता है, 3D में होता है। और अगर ले लेते हैं कि दिस इज़ एरिया, अगर एक कुछ इसका अपना एरिया है और अगर इसका लेंथ r है, दिस लेंथ इज़ r, तो ये जो एरिया होगा पॉइंट O पे जितना एंगल सबटेंड करेगा दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और दिस इज इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि हमने जैसे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व का लेंथ लिया था, तो यहाँ पे हम एरिया कौन सा सिलेक्ट करेंगे, किस सरफेस का एरिया लेंगे। एक तो सरफेस ये हो गया, डिस्क हो गया, एक हम लोग ऐसा सरफेस बना सकते हैं, एक सरफेस ऐसा बना सकते हैं, एक सरफेस ऐसा भी बना सकते हैं, बहुत सारा सरफेस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें से जो ओमेगा होगा दैट इज़ द सॉलिड एंगल, इस एरिया ने जितना सबटेंड किया एट पॉइंट ओ
उसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा एरिया लेना चाहिए, एरिया नंबर 1, 2, 3 और 4। तो हम ऐसा सरफेस का एरिया सेलेक्ट करते हैं कि सरफेस के किसी भी पॉइंट से पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस होगा सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर व्हिच सेंटर विल बी एट पॉइंट ओ। तो हम इस वाले सरफेस का एरिया लेंगे, इसका एरिया हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो हम एक स्फीयर का एरिया लेंगे और ए पॉइंट ओ पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो होगा सॉलिड एंगल। तो हम इस वाले स्फीयर एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटर ओ को लेके, और फिर जो एंगल सबटेंड करेगा उसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल होगा। इसके लिए भी सॉलिड एंगल वही होगा, इस एरिया के लिए भी सॉलिड एंगल वही होगा, बट जब हम यहाँ पे एरिया लिखेंगे वो एरिया दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। इसका जो यूनिट होता है स्ट्रेडियन, इसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 डायमेंशन में एंगल होता है और इसका स्ट्रेडियन यूनिट होता है। अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस की बात करें, क्लोज सरफेस, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक क्लोज सरफेस एज अ स्फीयर जिसका रेडियस आर और ए पॉइंट ओ। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो एक क्लोज सरफेस है स्फीयर का जिसका रेडियस आर है, पॉइंट ओ पे टोटल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, टोटल सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ कितना होगा। तो उसका कैलकुलेशन हम अगर करेंगे तो ये पार्ट ऑफ स्फीयर है तो डायरेक्ट हम यही एरिया ले लेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4πr² डिवाइडेड बाई लेंथ आर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू 4π। तो यहाँ पे जो टोटल सॉलिड एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4π। कि कोई भी क्लोज सरफेस, चाहे सरफेस कैसा भी होगा, क्लोज होना चाहिए। कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी पॉइंट ओ से, उसके अंदर में कोई इनसाइड अगर पॉइंट ओ है तो टोटल सॉलिड एंगल 4π होगा। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था 2 डायमेंशन थीटा में कि कोई भी क्लोज कर टोटल 2π एंगल सबटेंड करता है, उसी तरह से रेडियन में टोटल सॉलिड एंगल कोई भी क्लोज सरफेस उसके इनसाइड पॉइंट से 4π सबटेंड करेगा। तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ द सॉलिड एंगल। अब एक डिस्क है यहाँ पे और ये डिस्क किसी भी पॉइंट ओ से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। एक डिस्क है ऐसे रखा हुआ है और एक पॉइंट ओ यहाँ पे है इसके सेंटर पॉइंट से, तो इस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो डिस्क होगा वो कितना सॉलिड एंगल पॉइंट ओ पे सबटेंड करेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस डिस्क का तो एरिया लेंगे नहीं, एरिया हमें एक सॉलिड स्फीयर का होना चाहिए जिसका सेंटर पॉइंट ओ पे होगा। तो हम यहाँ से पॉइंट ओ से एक सॉलिड स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसका एरिया लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक पार्ट ऑफ द स्फीयर लेंगे, इसका एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विल गिव द सॉलिड एंगल ओमेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक एनिमेशन बनाया है, आप उसको देखो। Thank you.
अभी तक हम लोग ने देखा है कि सॉलिड एंगल इस वाले डिस्क ने पॉइंट ओ पे कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 2π 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और इसका बहुत फिजिक्स में यूज आता है। अब यहाँ पे हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इफ थीटा वेरी स्मॉल, यहाँ पे हम 2π 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 4π साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4π थीटा स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4π थीटा स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू पाई इंटू थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल आया, अगर थीटा बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, तो सॉलिड एंगल जो होगा दैट इज इक्वल टू पाई इंटू थीटा स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक करके देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है। दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एस इज द एरिया, डेल्टा एस को हमने एरिया ले लिया, इस स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाई दिस लेंथ आर, आर स्क्वायर, यही होगा, इतना एंगल सबटेंड किया। डेल्टा एस कैन बी रिटन एज पाई आर थीटा होल स्क्वायर, डेल्टा एस को हम और एक्सटेंड करेंगे दैट इज इक्वल टू पाई आर थीटा होल स्क्वायर। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो आर इंटू थीटा ए वाला लेंथ आएगा, दिस लेंथ इज आर इंटू थीटा, और पाई आर इंटू थीटा करेंगे तो दिस विल गिव द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। तो अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो सॉलिड एंगल फाइंड करने के लिए जस्ट वी विल टेक द एरिया ऑफ द डिस्क दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर उसका थीटा छोटा नहीं है, थीटा इज नॉट स्मॉल, देन वी विल हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द प्रॉपर इंटीग्रेशन। इसका हमें सॉलिड स्फीयर का जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम किसी भी आर्बिट्री शेप का एक सरफेस लेंगे और उस सरफेस से पॉइंट ओ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वही कैलकुलेट करेंगे। तो हमने सबसे पहले कोई एक आर्बिट्री शेप का सरफेस ले लिया, इस सरफेस के बाउंड्री लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को जो कि बाउंड्री लाइन पे हैं उसका हम पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देंगे। सरफेस के बाउंड्री पे बहुत पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को हम पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देंगे। तो एक यहाँ पे बहुत सारे लाइंस पॉइंट ओ से निकलेगा जो कि सरफेस के बाउंड्री से होते हुए ऐसे शेप में जाएगा। अब यहाँ पे एक किसी भी रेडियस आर का एक स्फीयर लेंगे जिसका सेंटर पॉइंट ओ पे होगा। अब बहुत सारी जो लाइंस हैं जो कि उसके बाउंड्री लाइन से और ए पॉइंट ओ को ज्वाइन करने से बहुत सारी लाइंस मिला, उस लाइंस का इंटरसेक्शन स्फीयर के सरफेस पे कुछ मिलेगा। तो वो जो सरफेस बाउंडेड हुआ, लाइन बहुत सारे लाइन इंटरसेक्ट किया सरफेस को, और जो वहाँ पे एक सरफेस बाउंड होके उसका जो एरिया मिला वही एरिया हम लोग यहाँ पे लेते हैं। स्फीयर पे जितना वो लाइंस कट किया उसको यहाँ पे एरिया लेते हैं, और आर जो स्फीयर का रेडियस है उस रेडियस को यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉलिड एंगल किसी भी सरफेस के लिए कैलकुलेट इस मेथड से कर सकते हैं। हालांकि ये कैलकुलेट करना, इंटीग्रेशन करना काफ़ी टफ है, बट हम देख सकते हैं कि हम एरिया कौन सा लेते हैं। बाउंड्री लाइन से इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, पॉइंट ओ से उसको ज्वाइन करेंगे बाउंड्री लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स को, और वो जो लाइन्स होगा सरफेस जो स्फीयर का सरफेस होगा उसको कट करेगा, और वो एरिया जो बाउंडेड होगा उसी एरिया को यहाँ पे लिखते हैं।